सो हैलो ब्यूटीफुल पीपल्स, किदा तुसी सारे? आई होप तुसी सारे वधिया होने ने। सो गाइज, फर्स्टली हैप्पी रिपब्लिक डे, एंड सैकेंडली अज दे इस वीडियो च आपां व्लॉग दिखाने जा रहे हैं नॉर्कस कॉलेज का, जो कि मैं 1.5 साल बाद बनता पाएगा, एंड ए पार्ट टू होगा। सो या काफ़ी चिरा बाद मैं वीडियो बनता पाएगा, एंड मेरा अचानक ही मन कर गया कि यार मैं एक चीज़ रह गई कि जी पानी सी वो नॉर्कस कॉलेज का व्लॉग। तो मेरा मन किया कि अज ब्लॉग बना ही कर लवा। सवेरे सवेरे मैं ट्राई किया सवेरे रोज़ उठने की, पर उठ नहीं होया मेरे तो। मैं कहा सवेरे जल्दी उठ के ना चाहता फिर मैं कॉलेज फिर ब्लॉग बना, क्योंकि यार सवेरे घट रस हों ना, जिन्ना ज़्यादा रस हों नर्वस जी होंगी मैनू। सो या अज साई ना मौका मिल जाए ब्लॉग बनाने का, आई होप सो मिल ही जाए। सो या अज की आप वीडियो तुम्हें नॉर्कस कॉलेज का ब्लॉग दिखाऊंगी, जो चीज़ा रहा नॉर्कस कॉलेज दियाँ जो मैं तुम्हें नहीं दिखा पाया एट दैट टाइम, मैं तुम्हें वह दिखाऊंगा। एंड व्लॉग तो बाद ही मैंने पता चलिया किन्नी किन्नी जगह सी उत्थे देखने ली। सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, राइट नाउ कॉलेज के करीब चुका एंड इतने बस कुछ ही देर बाद चलन का एयर होंगे, एंड सैकेंडली मौसम बहुत अच्छा है अज का। एंड या विंटर सीजन च होके भी इतना अच्छा मौसम का, बट पंगा येगा कि अज बर्फ पै सकती गी अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट, हवा भी उन्नी चलती पी ठंडी ठंडी। सो गाइस, आप हम नॉर्कस के कॉलेज के अंदर एंटर करूँगे। राइट नाउ एक कल्ट बिल्डिंग है, एंड या इफ यू वांट टू गो इन स्टे देयर यू कैन सी इट। जो तुम एलीवेटर में जाने तो अभी इतों जा सकते हैं, बस अंदर जाने थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। बाकी जो तुम कोई चीज़ देखनी तुम इतनू रू इनू फॉलो कर सकते हैं, तुम्हें ईजी रहूँगा देखने। हालांकि मैं वीडियो दिखा दूंगा जो भी स्टाफ हैगा इतने का। जो तुम कोई स्टूडेंट इंक्वायरी लेनी गई तो तुम इतने आ सकते हैं, ये एरिया टोटली इंक्वायरी का ही है। इतने अगर तुम कोई भी क्वेश्चन तुम हो एज ए स्टूडेंट हो तो मतलब कि इतने ईजीली थोड़े आंसर मिल जाऊंगे। तुम इतने कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी फीस बारे पूछ सकते हैं, इनरोलमेंट बारे पूछ सकते हैं, एंड एनी अदर थिंग तुम कुछ भी पूछ सकते हैं। सो या एलीवेटर तो कैल्ट बिल्डिंग से जाना। चलो भी हूँ आप एलीवेटर से तो बढ़ गए हैं, तो आप सैकेंड फ्लोर से चले हैं। एंड तुम मैं सैकेंड फ्लोर दिखाने तो पहले दस देव इतने के मतलब जोड़े बिल्डिंगा ने एंड जो फ्लोर नेम है वो अकॉर्डिंग इतने का मतलब कि जो सैकेंड फ्लोर होगा कैल्ट का उत्थे तू मतलब आई टी वगैरह या स्पोकन लैंग्एज देखने मिलेंगे कोर्सिस, जिसे तुम देख सकते हैं। जिद देख सकते इतने सिर्फ आई टी कोर्स, एंड जित तक मैं एक बंद तो पूछा उन्हें मैंने इन्ना क्या कि इतने एक स्पोकन लैंगुएजेस का भी कोर्स सिखाया जाता गा, तो मैं भी इतने सिखाया जाता है, तो मैं पता नहीं पूरी गल। ठीक है, इतने या तो कंप्यूटर लैब्स एंड सैकेंड फ्लोर, एंड जिदा कि तुम देख सकते हैं इतने तुम्हें लॉक्स भी प्रोवाइडेड ने। एंड या दिस इज द सैकेंड फ्लोर ऑफ कैल्ट बिल्डिंग ऑफ नॉर्थवेस्ट। हालांकि मैं उधर सैकेंड बिल्डिंग ज्यादा आया नहीं गा, बट या थोड़ा बहुत मतलब घूम घूम के पता चल जाता गा मैनू भी। तो गाइस, सैकेंड फ्लोर के नाल तुहानू सामने दिखते पे गेट है नॉर्मल जहा, तुहानू लाइब्रेरी मिल जाएगी जो कि मैं तुहानू दिखा सकता लाइब्रेरी किदां दा है। जिसके सैकेंड फ्लोर से तुहानू लाइब्रेरी मिलूंगी, उस तो अलावा उत्थे क्लास नहीं है, वो भी सिग्गीमार। इत्थे दे एक्चुअली दो बिल्डिंगा ने जिस प्रेजेंटली मैं हूँगा वह कैल्ट बिल्डिंग है, एंड जी नैक्सट जी बिल्डिंग है वो हैगी सिग्गीमार। एंड राइट नाउ मैं सिग्गीमार च लगा, एंड तुहानू मैं दिखांदा गा व्यू लाइब्रेरी का। ये चलो गेट खुलिया और जो तुम व्यू देख सकते हैं किदा दा गा इत्थे दा। सो गाइस, राइट नाउ आप लाइब्रेरी में आ चुके हैं, जिदा कि तुम देख सकते हैं इत्थे काफ़ी सारे जनता बैठी हुई है। सो फर्स्टली गाइस सॉरी, यह मैं वीडियो ब्लर की गई, तुम बस मैं लाइब्रेरी की कुछ क्लिम्स दिखा सकता गा। सो एक्चुअली मेन रीजन ये गा क्योंकि फर्स्टली कुछ बंदे मतलब कि अपने मतलब वीडियो च नहीं आना चाहते हैं, सैकेंडली इंस्ट्रक्टर ने मना किया पाया कि यह रूल के खिलाफ है, मैनू सारे तो हामी पढ़नी पैनी जे मैं वीडियो किसी की बनाता पाएगा। सो इस करके मैं डिसीजन लेना पाया कि किसी का फेस रिवील ना हो तो मैं ब्लर इफेक्ट यूज़ करना पैनागा जड़ा ही बंदा मेरी इस वीडियो आता गा, ताकि बाद प्रॉब्लम ना हो। एंड इतने तुम मतलब अपना बुक मतलब कि अपना रूम बुक करके इतने पढ़ सकते हैं, अपने बाई जी पढ़ते पेने। इट्स आल्सो ऑप्शन फॉर यू, इफ यू वांट टू सिट इन पब्लिक यू कैन सिट इन पब्लिक, और इफ यू वांट टू स्टडी अलोन यू कैन स्टडी अलोन। सो जिदा कि तुम ये रूम देख सकते हैं, ये तो रूम बुक करना पाऊंगा इंटरनेट के थ्रू, एंड इतने टेबल्स भी ने कुछ,
ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਵੇਰੀਅਸ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਯਾ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਫੋਰ ਯੂ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਢਾਉਣੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਹੈ ਫੋਰ ਕੁਆਇਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰ ਸਟੱਡੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੈਲਟੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਫਲੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੋਰੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੀਜਾ ਫਲੋਰ ਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਗੈਸ ਅਦਰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲੋਰ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਕੁਆਇਟ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿਗਮਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਆਇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਯੂ ਸੀਨ ਫਸਟ। ਸੋ ਯਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਆਇਟ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਫੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੱਡੀ ਮੋਰ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਸਰੂਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੋਸਰੂਮ 'ਚ ਐਂਡ ਕੁਛ ਚਲਕਾ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਯਾ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਹੋਟਲ ਵਾਂਗੂ ਬਾਥਰੂਮ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਵਰਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਸੂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼, ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਸੈਡ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਂਜਲ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਆਪਾਂ ਵਸੂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਦੇ ਤਾ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਵਸੂ ਬਾਰੇ, ਬਟ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜੀ ਤੋੜ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਫਲੋਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਫਥ ਫਲੋਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਗੇਮਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਚਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੋਏ, ਕਰੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ, ਇਹ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਵੇਂ ਫਲੋਰ ਜਾਣਾ ਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਓਪਨ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਪੁੱਜ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਟਸ ਲੋਕ ਔਨ ਮੰਡੇ ਐਂਡ ਵੈਨਸਡੇ ਇਟਸ ਓਪਨ। ਸੋ ਯਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਇਹ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਡੋਰ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਕੈਨੋਟ ਸ਼ੋ ਯੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਿਕੋਜ ਇਹ ਲੋਕ ਗਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਯਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਭ ਦਾ ਸੇਮ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੰਡੇ ਵੈਨਸਡੇ ਇਫ ਯੂ ਗੋਟ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਹੀ ਹੁਣ ਸਿਗਮਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਲਟੋ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਈ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਸੈਵਨਥ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਦੇ ਡੂ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਗੈਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਵਗੈਰਾ ਐਂਡ ਲੰਚ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਯਾ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਪਾਂ ਜਾਊਂਗੇ ਥਰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਗਾਇਸ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾ ਥਰਡ ਫਲੋਰ ਕੁਛ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥਰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਆਉਂਗੇ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਰਹੂੰਗਾ ਆਉਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਮਿਲੂੰਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਗਮਾਰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਹੋ ਇਹ 74 ਲੱਭਦਾ ਪਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਇਨ ਦੈਂਡ ਲੱਭ ਗਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਬੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਾ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਗਾ।
जे गाइस आप थोड़ा अगे जाते हैं तो सानू इत्थे होर भी जगह मिलती देखने इत्थे मतलब काफ़ी मतलब कि जो ब्रेक ते हुंदे या फिर नॉर्मली उन्हां कोल टाइम नहीं हुंदा उत्थे आके पै जांदे ने। एंड इधर का व्यू पॉइंट है कॉलेज का अंदरला। एंड इत्थे पहले चेयर नहीं सी ना टेबल सके, हुण इत्थे टेबल ने चेयर सैट कर दिते गए ताकि स्टूडेंट इत्थे बैठ सके। एंड यार सरदार भाई मैनू ही देखते पे सो यार इधर का एरिया गा जो हम चौथा फ्लोर ते मेरा हुण आ जा रहा है वो भी एक हिसाब का सेम ही गा, बट उत्थे दा एक चीज़ डिफरेंट गी वो यह गा कि इतने जो थर्ड फ्लोर गा वो थर्ड फ्लोर अपना फोकस करता गा सीधा सिर्फ बिजनेस नू। एंड जो फोर्थ फ्लोर है वो करता गा अपना मेन फोकस ऑन मेडिकल। सो या उपर मेडिकल द थिंग्स रिलेटेड वर्क होंगे ने, थले होंगे बिजनेस रिलेटेड। सो क्लासा कुछ इदा दी होंगी अंदर। सो राइट नाउ गाइस मैं फोर्थ फ्लोर पर आ चुका गा। एंड जिदा कि तुसी एक हिसाब की सेम ही कंडीशन मतलब कि थर्ड फ्लोर की सी मतलब सेम ही थिंग्स ने इत्थे, बट इत्थे तुहानू मतलब नर्सिंग ते मेडिकल तुसी देख सकते ने थिंग्स हेयर लाइक आ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ही होंगे ने जो स्टूडेंट होंगे ने मेडिकल के। एंड या जो कि मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है वधिया भी गा नाले। सो या मतलब कि कुछ इन्ना ही टूर सीगा जो कि मैं तुहानू फोर्थ फ्लोर दिखा सकता है गिमार दा। यह लास्ट ही फ्लोर का फोर्थ जो भी है, पर जिहड़ा वो कैल्ट बिल्डिंग है उत्थे दा फ्लोर जिहड़ा हैगा गा वह मतलब कि 8 तक जाता कई इन तक जाता गा और दैट्स इट। एंड तुसी व्यू देख सकते ने फोर्थ फ्लोर का। सो या काफ़ी अच्छा गा इत्थे दा व्यू। एंड वन थिंग मोर मैं तुहानू दसना भुल गया ड्यूरिंग तुहानू मैं क्लासिस दिखाता पाएगा तो उत्थे ना मतलब कि नंबरस हुंदे ने, तो जो भी तुसी कोई भी कोर्स में इनरोल्ड हुंदे ने तो मेक श्योर तुसी उत्थे नंबर देख लो कि तुहाडी क्लास किहड़े नंबर ते है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन गो एंड अटेंड योर क्लास। हूँ बाकी गाइस मैं मेन फ्लोर चलागा, जो मेन फ्लोर दिखता तो मैं दिखा देता कि कंडीशन की मेन फ्लोर की। एंड या उस तो बाद अपने वीडियो रैपअप कर देने। सो इदा का कुछ एरिया का यही सब कुछ सी अज इस वीडियो च। मैं इतना ट्राई करूँगा कि जिन्हें भी मतलब गोरे मतलब आए ने उन्होंने मैं फेस ब्लर कर दूँगा। एंड मैं काफ़ी ट्राई करूँगा कि जो चीज़ा ने प्राइवेट रखा तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना पवे। सो बाकी थोड़े प्यार की लड़ है वह तो तुम दूंगे। सो या इनका एंड मैं यही कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइस तुम मेरी वीडियो देखी। एंड आई होप तुम्हें वीडियो वधी लगूंगी मेरी ब्लॉग। एंड या एंड लास्टली हैप्पी रिपब्लिक डे। हूँ मैं तुम्हें नैक्सट वीडियो मिलता एक्चुअली नैक्सट वीडियो मैंने पता ही कदों बनाऊंगा मैं, बट या मैं एक्चुअली पठान मूवी देखने चलागा जिसे रिव्यू बहुत अच्छे आते मैंने शाहरुख खान की मूवी है जिस करके मैं उस इंतजार करता पाएगा। सो या मैं वो ब्लॉग अगला लैके आऊँगा थिएटर का जो कि सिनेप्लैक्स होगा, या तुम्हें मैं लैंडमार्क का ब्लॉग दिखाया होना लास्ट टाइम बट मैं सिनेप्लैक्स का नहीं दिखाया। सो या हूँ मैं तुम्हें सिनेप्लैक्स का इस वीडियो तो बाद जी नैक्सट वीडियो आऊँगी वह मैं सिनेप्लैक्स का तुम्हें रिव्यू दिखाऊँगा एंड तुम्हें मूवी का रिव्यू भी दूंगा क्योंकि मैं एज अ मैं मूवी लवर भी है तो जिस करके तुम्हें मैं रिव्यू देना तो बनता ही है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ गुड नाइट एंड कैनेडा लो प्यार भर भर के।